आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और यही आवश्यकता की खोज मनुष्य को महान बना देती है। मनुष्य की प्रकृति जिज्ञासा वाली होती है जो इन्हें विभिन्न घटनाओं को समझने में प्रेरक का काम करती है, परंतु यह एक जोखिम भरा कार्य होता है। स्वागत है आप सभी का और आप हैं अपने YouTube चैनल BioPoint पे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के कुछ ऐसे आविष्कारकों के नाम जो इतिहास के पन्नों में तो अमर हो गए, परंतु उनका खुद का आविष्कार ही उनके मौत का कारण बना। सबसे पहले बात करें फ्रांज रेकलट की, जो फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने कोट पैराशूट का आविष्कार किया था, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए एफिल टावर से उन्होंने छलांग लगा दी थी। पैराशूट न खुलने की वजह से टावर के नजदीक बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। कड़ी में आगे बात करें सिल्वेस्टर एच रोपर की, जो कि अमेरिका के एक महान आविष्कारक थे और उन्होंने प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के अग्रणी निर्माता के रूप में जाना जाता है। 2002 में रापर को रापर स्टीम वेलोसिपीडे की खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा वेलोसिपीडे की शुरुआती गति परीक्षण के दौरान उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बात करें होरेस लार्सन हनीली की, जिन्होंने दुनिया का पहला लड़ाकू पनडुब्बी बनाया था, फर्स्ट कॉम्बैट सबमरीन जिनको कहते हैं। दो असफल प्रयासों के बाद वह एक पनडुब्बी विकसित करने में सफल रहे, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी विकसित की गई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इसी कड़ी में बात करें जिनके नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे, मैरी क्यूरी की, जो कि एक भौतिकी विज्ञानी और रसायनज्ञ थी और विश्व की पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग अलग करने के लिए रेडियोधर्मिता और तकनीकी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया था जिससे रेडियोधर्मी दो तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की जा सकती है। शोध सामग्री से निकलने वाली विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में आने के कारण एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी से मैडम क्यूरी की मृत्यु हो गई थी। इसी कड़ी में बात करें हेनरी स्मोलोस्की की, उन्होंने हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया था जिसका नाम एवीई मिजार रखा था, लेकिन विमान के परीक्षण की उड़ान के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। बात करें साबिन अर्नोल्ड वान सोचाकी की, जिन्होंने रेडियम आधारित पेंट का आविष्कार किया था, लेकिन यह आविष्कार ही इनकी मृत्यु का कारण बना और रेडियोधर्मी सामग्री के संपर्क में होने के कारण एप्लास्टिक एनीमिया से इनकी भी मृत्यु हो गई। केरल सोसेक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने शॉक एब्जॉर्बेंट बैरल को बनाया था। इसके परीक्षण के लिए इन्होंने नियागार जलप्रपात से नियागार नदी में लुढ़कने का करतब दिखाने के दौरान हादसा हुआ। हालांकि उस हादसे में वो बच गए, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके नाक से खून बह रहा था। चिकित्सा परीक्षण के दौरान पता चला कि करतब के दौरान इनके छाती और पेट में बुरी तरह से चोट लगी और खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी। इसकी वजह से अस्पताल में इनका निधन हो गया। यह जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर करें। BioPoint ऐसे ही वीडियोस रोजाना आपके लिए लाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए अनंत धन्यवाद।